एमपी को मतलब नित्यताई शिंदे को हम बोल चुके हैं, वो उन्होंने और उनके पिताजी शिवकुमार शिंदे साहब ने हमारे कास्ट को इस बात आपको मैं गवाही देता हूँ बोल के बोले ने समाज इस बार क्या भी बंदे बाबा करोगे आप ठहरो हम तुम्हारे साथ है। एक परसों मेरा एक मीटिंग हुआ समाज का हाँ। मीटिंग लिया उसमें बोला मैं इस बार अपने घर में मीटिंग ले अगली बार कांग्रेस ने हमारा नहीं सुना मैदान में मीटिंग होगा उस मैदान में ठहरा करेंगे हम क्या कर से क्या नहीं। महाराष्ट्र चुनाव का बिगिल बज चुका है और अभी से राजनीतिक मैदान में हलचल देखी जा सकती है। नमस्कार आदाब, मैं हूं जर्नलिस्ट मजर। एक जो हमारा सफर शुरू हुआ था जिसमें हम लोग वो व्यक्ति या वो पार्टी या उस पार्टी से जुड़े हुए लोग कोई भी जो किसी भी तरह का बदलाव पैदा कर सकते हैं उनके विचार उनके थॉट्स हम लोग आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सफर का हिस्सा आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं, उनका नाम है बाबा करुगले जी जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और सर इसी सवाल के साथ शुरू करूंगा, आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं इस बार विधानसभा का, तो आपका ये जो सफर है वो कहाँ तक पहुँचा है, पार्टी में टिकट को लेकर अभी क्या चर्चा चल रहा है इसके बारे में आप बताइए सबसे पहले। पहली बात तो मैं पार्टी में 20 तो 25 साल वो पार्टी में मेरे माँ मेरे पिताजी ये पार्टी के सदस्य हो कॉर्पोरेटर रह चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रह चुके हैं मेरे माँ बाप जो निष्ठावंत है मैं भी निष्ठावंत है मेरी पत्नियाँ भी फिलहाल नगर सेवक है कॉर्पोरेटर है और हम यहाँ से मुच्छी समाज बोल के हमारे यहाँ मतदार संघ में ज़्यादा से ज़्यादा 70,500 वोट है 60,000-70,000 है यहाँ सिर्फ सोलापुर मध्य में। इसलिए इस बार हमको चुनाव लड़ने के हमारे एमएलए प्रनिधिता शिंदे को हमारे एमपी को प्रनिधिता शिंदे को हम बोल चुके हैं, वो उन्होंने और उनके पिताजी शिवकुमार शिंदे साहब ने हमारे कास्ट को इस बार आपको मैं गवाही देता हूँ बोल के बोले ने। इससे पहले आपकी कास्ट में से किसी को मौका मिला है सर कांग्रेस की तरफ से? मिले ना 1990 में मिले 90 के 92 कमलापुरे साहब बोल के थे एक ही बार मिला लेकिन ईस्ट विधानसभा से नहीं मिला। अच्छा उत्तर से मिला था वो और उस टाइम पे शायद डिवीजन भी हुआ नहीं था ना डिवीजन नहीं हुआ था। तो अभी मान लीजिए कि अगर आपको मौका मिलता है सर तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां काम करने की जरूरत है? यहाँ फिलहाल आपको जो सेंट्रल है सेंट्रल सोलापुर में झोपड़पट्टी भाग बहुत है गरीब लोगों की संख्या बहुत है 3-3.5 लाख वोट है उसमें कभी 2-2.5 लाख तो गरीब की संख्या झोपड़पट्टी है। पहली बार मैं झोपड़पट्टी सुधारने का कोशिश करूंगा। मुंबई में जो चालू है उनके हिसाब से झोपड़पट्टी के जो बच्चों को अलग अलग इसमें चालू है उनको अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश करूंगा। जो नशे की बात चालू है जो बच्चे ना छोटे छोटे है लेकिन नशेबाज चालू है वो कार तो बंद करके उनको पढ़ाई की तरफ अपन ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये टिकट को लेकर के बाकी लोग भी रेस में हैं दौड़ में हैं बाकी लोग भी टिकट की मांग कर रहे हैं जाहिर सी बात है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी आप में क्या क्वालिटीज हैं ऐसी आप में क्या अलग बात है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको टिकट दिया जाना चाहिए? मेरा मैं एक निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ मोची समाज जो है मेरा कास्ट हम इस विधानसभा में कभी हम अपक्ष लड़े नहीं विधानसभा लोकसभा और नगर से पार्टी ने किसको ही टिकट दिया वो उनके बाजू में हम ठहरे हम जिनके बाजू में ठहरते हैं वो चुन के आता है और हमारा मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था युवक प्रेसिडेंट था सोलापुर का 10 साल था मैं उसमें मैं 2014 से 2024 तक 22-20 तक मेरे बढ़िया काम चालू है। मैं सब वार्ड में शाखा ओपनिंग करके हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस में ला चुका हूँ और नरेंद्र मोदी को पहला कोई आड़ा आया बिल्कुल मैं आड़ा ले काले झंडे दिखा के उनको काले झंडा गो बैक सोलापुर बोल के बोलने वाला मैं उस टाइम को मेरे को पुलिस इतने मारे थे मेरे को मेरे दो पदाधिकारी थे
मैं एडमिट था सिविल में, बाद में पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल हुआ है ऐसा है। इसलिए ये कब की बात बता रहे हैं? 2014 की। 2014 की 14। और तब यहाँ पे किसकी हुकूमत थी? 2014 में इनके शिंदे। हाँ, तो शिंदे साहब की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिला जब? नहीं, वो शिंदे नहीं, एकनाथ शिंदे। अच्छा, एकनाथ शिंदे। ले वो यहाँ थे अपने, ठाकरे अहमद था लेकिन ऊपर केंद्र शासन था ना। अच्छा, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान थे, तभी चुन गए थे। अच्छा, तभी तो पुलिस की तरफ से खूब बहुत 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 पिटाई होती है हमारे। अभी आपके समाज की तरफ से क्या रिस्पांस मिला है आपको? समाज इस बार क्या भी होंगे, बाबा करोड़े आप ठहरो, हम तुम्हारे साथ है। तो आप मतलब समाज की मांग पर आप चाह रहे हैं चुनाव लड़ना? समाज और मेरा वैयक्तिक कांग्रेस पक्ष का काम है, और मैं पक्ष के लिए बहुत कुछ कर, अभी तक मेरे ऊपर 40-45 केसेस 45 केसेस है। अच्छा, आंदोलन के विविध माध्यम से लोगों के लिए। बीच में हेलमेट शक्ति लगाए थे सोलापुर में, उसके बाद में बहुत बड़ा आंदोलन ठहरा करा, जेल भरो आंदोलन करा मैं, बहुत सारे आंदोलन के बीच मेरा नाम एक आंदोलन करता बोल के है सोलापुर में। बाबा बोले तो एक अलग सा नाम है मेरा, इसलिए वो माध्यम से मैं इसको तीड़ दिया। तो मेरा समाज और मेरे कार्यकर्ते सब युवा वर्ग मेरे चुन के लाएंगे। आपके समाज कौन सा मुद्दा है सबसे बड़ा? समाज का मुद्दा कास्ट वैलिडिटी, और हमारे जो लोग गरीब है उनको क्या तो रोजी चालू करना, उनको फैक्ट्री करना, हमारा सब झोपड़पट्टी भाग है। ये लोधी गली, बापूजी नगर, राइट 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 है ना, मैं इन इलाकों में गया हूँ। वो इलाका हमारा है। मैंने जनता से बात की है, मैं आपको बता नहीं सकता इतनी खराब स्थिति में वो इलाके हैं। वहाँ पे उन लोगों का जो सरकारी शौचालय बना हुआ है वो 4 महीने से 5 महीने से साफ नहीं हुआ, वहां पर गंदगी जूं की त्यों है। वो लोग नगर सेवक के पास जा नहीं सकते क्योंकि बॉडी डिमोलिश हो गई है। कॉर्पोरेशन में वो लोग जाते हैं तो उनसे पैसे वसूले जाते हैं। सही बात है। सेवक मतलब जो काम करने वाले कर्मचारी हैं कॉर्पोरेशन में, वो लोग पैसे वसूल रहे हैं कि इतने पैसे दो तब हम आपका काम करेंगे। तो आपने कभी उनका सपोर्ट करने के लिए आप गए हैं? क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। उन लोगों ने बोला कि कोई हमारा देखने वाला नहीं है, कोई इधर आता नहीं। 6 महीने पहले ऐसा आपके शौचालय की बात करे, मेरे यहाँ 2-3 शौचालय है ऐसा, अभी 2 बरस हुआ नगर सेवक का भी डिमोज वाले, इसलिए नगर सेवक का आवाज ज्यादा नहीं सुनते। इसलिए मैं यहाँ के मेरे गली में के बोले, मेरे वार्ड में के 400-500 महिला लेके मैं महापालिका में आंदोलन कर रहा। आंदोलन करके बैठ के वहां से निधि लिया, निधि लाके वो शौचालय सुधार कर रहा। तो लोधी गली का बाजू में एक हॉटलाइन कंपाउंड बोल के क्रिश्चियन समाज का एक बस्ती है, वहां एक करीबन 200-250 घर है, वहां पानी नहीं है, वहां शौचालय नहीं है, वहां क्या नहीं था। मैंने वहां एक बड़ा आंदोलन करा, वहां पानी है, अभी वहां शौचालय है, वहां लाइट है, अभी घरगुती लाइट का भी मेरा काम चल रहा है। तो मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं 100%। तो उन इलाके के लोग आपके सपोर्ट में हैं? मेरे साथ है बोल के मैं उनके साथ है ना। हाँ। इसलिए तो मैं ठहरना चाहता। अगर आपका समाज आप पर इतना भरोसा कर रहा है, आपसे इतनी बड़ी उम्मीदें अगर लगा रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी मौका नहीं देती है तो क्या अपक्ष लड़ेंगे? तो क्यों बात है, अभी वो जनता 20-22 तारीख को क्या निकले रहूंगा हमारे नहीं हुआ। मैं एक बार मेरा एक मीटिंग हुआ समाज का हाँ। मीटिंग लिया, उसमें बोला मैं इस बार अपन घर में मीटिंग ले, अगली बार कांग्रेस ने हमारा नहीं सुना, मैदान में मीटिंग होगा, उस मैदान में टेरा करेंगे हम, क्या कर से क्या नहीं। सही बात है सर। तो बाकी जो जितने आपके समाज में और भी मतलब कांग्रेस के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं ना, नहीं, नहीं, नहीं। तो वो लोग से बातचीत नहीं है आपकी? है ना, उनके साथ है, हम मिल के जाए। हमारे क्या, हमारे में 3 लोग आए कांग्रेस में फिलहाल मांगने वाले। एक देवेंद्र भंडारे बोल के हमारा अध्यक्ष है, वो एमगढ़ साहब बोल के एक्स महापौर है वो। तो हम तीनों मिल के कांग्रेस को मांग के रहे हैं, तीनों में से एक को दो, मोची समाज को दो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप इस बात पे भी राजी हैं कि मुझे नहीं देना है, मुझे मेरे समाज की किसी को और को दो, हम उनके साथ हैं, मोची समाज का इस बार एमएलए होना। एक आपके बहुत ही करीबी थे करण मोहित्रे साहब, जिनका भी निधन हो गया कोविड के टाइम पे,
उनका आपके समाज में काफी लोग उनको चाहते थे, तो कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी विधानसभा चुनाव लड़ने की? उन्होंने 2019 में जाहिर करे थे। उन्होंने मेरे को बोले थे मैं लड़ूंगा, मेरे पास पैसे है, आपका सपोर्ट होना। मैं बोला था अपने हमारे नेता है प्रणिति शिंदे है, वो जब खासदार होंगे तब अपन उनके साथ झगड़े करके अपन वो टिकट लाएंगे, तब तू ठहर मेरे भाई बोल के मैं बोला था। आज वो नहीं है, वो स्वर्ग में है, तो उनकी इच्छा को कहीं तो आप लेके नहीं चल रहे। वो जो ऐसा बात बोलना पड़ेगा ना, ऐसा एक दोस्त था मेरा, बड़ा भाई था, हम दोनों बहुत बार समाज का, हम समाज के हित में काम करते हैं, दूसरा कौन सा हित में काम नहीं करते, पहला समाज करने बाद में राजकारण। सर क्या वजह है कि सोलापुर में आप के समाज की, आप बता रहे कि इतनी संख्या है, तब भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके समाज की बात नहीं होती है? गरीबी इतनी ज्यादा है, रोजगार के मौके नहीं है, लोग पता नहीं कैसी कंडीशन में जी रहे हैं, आप उनके जन प्रतिनिधि हैं, आप किसी पोस्ट पर हैं, एक नेशनल सतह की पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, क्या वजह है कि बड़े मंच पे बात नहीं होती है? ऐसा है, ये राजनीति है। राजनीति में कैसा है, छोटे छोटे जो जात रहते हैं उनको ऊपर नहीं आने देते। महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र में जो हमारा कैसा, हम कर्नाटक आंध्र तेलंगाना से आए हुए हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े मेरे दादा दादी यहाँ अभी अभी 50-60 साल वहाँ बसे हुए, इसलिए ज्यादा हमारा वहाँ हमारे रिश्तेदार है वहाँ, इनको कहीं तो लगता रहेगा कि ये मुझे यहाँ अभी अभी आके। अच्छा, ऐसे भी बात नहीं, आपके साथ भेदभाव हुआ है? वो सौटा क्यों हो रहा बोल के हम पीछे है ना, पार्टी में हुआ? पार्टी में नहीं हुआ, पार्टी हमको टिकट देती है, हमको नगर सेवक को दे रहा है, हम एमएलए नहीं बन सकते, ये जरा अमर को कहा दो फिर लगता है, अमर को नगर सेवक के लिए ठहरा है। ये बात आप पूरी ईमानदारी से बोल रहे हैं, पार्टी में कभी भेदभाव नहीं हुआ? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, हो भी नहीं सकता ऐसा लगता है। तो किसी राजनेता के पास हम लोग जाते हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो कहीं पे उनका बड़ा सा घर होता है। मैं भी आपके घर में आया हुआ हूँ, एक तो मतलब छोटा सा ये इलाका है, आप अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, बस्ती में ही आप अभी रह रहे हैं, और आपका कोई लेविश लाइफ नहीं है आपकी, छोटे से घर में आप हैं, समझ में आता है कि एकदम सादा जिंदगी आप गुजार रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो अभी आपकी स्थिति है इसमें आप चुनाव लड़ पाएंगे? मैं परसों ये आप जो बात करें, मैं मेरे कार्यकर्ता मेरे समाज के भाई लोगों से पूछा, अपन भाई चांस अपने को टिकट दिए लड़ने का कैसा, हमारे लोग गरीब है लेकिन स्वाभिमान है, हमारे लोग एक दिन को रोज का 1,000-500 रुपए कमाते, वो क्या बोले, हम हफ्ते भर का पगार तेरे को देंगे, हमारे घर में उपवास रखेंगे, हम अपना पैसा लोग देंगे, हाँ वोट भी देंगे, तेरे को नोट भी देंगे, तू चुनाव लड़। इस बार कांग्रेस को और यहाँ के जनता जो अपने को अगेंस्ट करते उनको दिखा देंगे हम क्या चीज है, मोची समाज, ये लोगों की मांग है, इसलिए हम पैसे से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये एक व्यक्तिगत सवाल अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, ये चेहरे पे आपके ये निशान कैसा है? ये बचपन में मेरे बच्चे की उम्र में था, स्कूल में खेलते खेलते बच्चे लोग ऐसा लगे तो नहीं, मतलब वो नहीं नहीं वो वैसा क्या नहीं, वैसा कोई मामला नहीं, चलिए कोई और विशेष बात अगर आप बताना चाहें। विशेष बोले तो मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावंत है, कांग्रेस से मेरी माँ बाप से मैं अभी 40 बरस का हूँ, 25 कॉलेज में था तब से NSY, युवक कांग्रेस, फादर कांग्रेस, सब संगठन से मोची समाज का अध्यक्ष था, युवक संगठन का अध्यक्ष था, सब एरिया में मेरे कार्यकर्ता है, दोस्त है, बोलू तो समाज है अच्छे से, अदर कास्ट में मेरे बहुत ज्यादा नजदीक है, लोधी समाज रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, मातंग समाज है, पद्मशाली समाज है, अभी आप संगा की बात करते हो, संगा मेरे दोस्त है, हम एक जगह कॉलेज पढ़े हुए हैं, अच्छा उन्होंने भी बात करी है, आपका टिकट मिला तो हम तुम्हारे साथ, हमारा टिकट मिला तुम हमारे साथ रहो, हम सब मिल के
कभी ना कभी तो होगा, ये युवा की लड़ाई है अभी, बस हुआ तो अभी युवकों को भी चांस मिलना चाहिए, हमारी बहुत मांग है। चलिए, तो ये थे बाबा गरुगले साहब जिनके विचार अभी आपने सुने। आपका आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, बेधड़क आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार जो है वहाँ पे लिखिए, अपना फीडबैक कमेंट कीजिए। और बाबा गरुगले साहब, मैं जिसका भी इंटरव्यू लेता हूँ, सबसे पहले तो धन्यवाद आपने अपना वक्त दिया। मैं ऐसे ही मतलब जो भी आपके चाहने वाले हमारे दर्शकों में से, उन्हें आप एक बार बोल दें अगर सब्सक्राइब और फॉलो कर लें हमारे चैनल को। ये मेरा भाई जो हमारे जैसे कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता का आज इंटरव्यू लिया, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, जिन्हें करूँ ये चैनल का बढ़ावा अपने सेंट्रल में दिल्ली तक पहुँचना, ये मेरे मेरे कार्यकर्ता को विनती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप भले ही मतलब जेब आपकी उतनी भरी हुई नहीं हो, मगर दिल आपका भरा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अगले एपिसोड में नए व्यक्ति के साथ, नए विचारों के साथ, नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।